ये कार शायद हर इंडियन ने देखी होगी। इस एम्बेसडर कार को 1958 में हिंदुस्तान मोटर्स ने इंडिया में लॉन्च किया था। ये कार एक मॉरिस ऑक्सफोर्ड मॉडल से इंस्पायर्ड थी। ये एक स्पेशियस स्टर्डी सेडान थी जो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, सेलिब्रिटीज और टैक्सी ड्राइवर्स में बहुत पॉपुलर थी। ये इतनी मशहूर थी कि लोग इसे किंग ऑफ इंडियन रोड्स कह के बुलाते थे। ये कार 56 साल तक बिकती रही 1958 से लेकर 2014 तक, और वो भी सिर्फ माइनर चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स के साथ। इस कार को इंडिया में स्टेटस, पावर और रिलायबिलिटी के सिंबल की तरह देखा जाता था कई डिकेड्स तक। लेकिन फिर इसको कॉम्पिटिशन मिला नई और ज्यादा एफिशिएंट कार से, जैसे मारुति सुजुकी से 1980s और 1990s के दौरान। इसकी सेल्स काफी गिर गई, डिजाइन भी आउटडेटेड हो गया और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी इसके अगेंस्ट हो गए। फिर 2014 में फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, और 2017 में हिंदुस्तान मोटर्स ने इस ब्रांड को PSA ग्रुप को बेच दिया 80 करोड़ की डील में। लेकिन एम्बेसडर्स को चाहने वालों के लिए अच्छी बात यह है कि ये कार शायद रीलॉन्च होने वाली है बहुत जल्द।